मेरा सौभाग्य है गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को कीर्तन यात्रा का सौभाग्य मुख्यमंत्री आवास में हमें मिला। 2020 और 2021 के साहबजादा दिवस के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास में करने का अवसर प्राप्त हुआ और 2022 में ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बन गया। ये ताकत होती है। सच्चे संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, वे संकल्प ऐसे ही पूरे होते हैं। जो लखनऊ से निकली हुई आवाज थी, वो आवाज राष्ट्रव्यापी आवाज बन गई। यह हम लोगों ने अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। यह केवल खालसा पंथ के लिए गुरुओं का बलिदान नहीं था, यह बलिदान हिंदुस्तान को बचाने के लिए था, देश और धर्म को बचाने के लिए था। उस कालखंड में जब बड़े बड़े राजे महाराजे और मुगल सत्ताओं के सामने झुक करके अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तब सिख गुरु अपने दम पर, अपने बल पर देश और धर्म की रक्षा कर रहे थे। जिस देश में और जिस परंपरा में इस प्रकार का जुझारूपन हो, उसको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती है। और आज के इस अवसर पर गुरु नानक देव जी का यह प्रकाश पर्व, जो 554वां प्रकाश पर्व है, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। और मैं आज आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए ही आया हूं कि हम सब मिलकर के अपने इतिहास से प्रेरणा लें, इतिहास के उन क्रूर और काले क्षणों से भी हम कुछ प्रेरणा लें, जिन्होंने अत्याचार और बर्बरता की सारी पराकाष्ठा को पूरा कर दिया था। किस प्रकार से अत्याचार हुए थे, किस प्रकार की निर्ममता ढाई गई थी, लेकिन उन सब से मुक्त रहते हुए आज हम सब एक स्वतंत्र भारत में जिस पूरी मजबूती के साथ रह करके अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ये गुरुओं के प्रति, सिख गुरुओं के प्रति हम सब की एक विनम्र श्रद्धांजलि भी है, क्योंकि उनकी कृपा से, उनके त्याग और बलिदान से जो नींव पड़ी, वह हम सबको चुनौतियों से जूझने के लिए निरंतर प्रेरित करती रही, आगे बढ़ाती रही। आज उसी का परिणाम है कि हम सब पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं।